हाय गाइस, हाय किसान भाइयों, आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है यूथ नेटवर्क कैरियर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस चैनल पे किसानों के लिए रियलिटी, मतलब जो भी हमारे बायोफिट से, खेती बाड़ी, जैविक खेती से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, वो किसानों के माध्यम से, मतलब यूट्यूब के माध्यम से किसानों के पास तक पहुंचते हैं और किसानों को जैविक क्रांति की ओर लाने के लिए एक कदम उनका योगदान मांगते हैं। तो दोस्तों, आइए, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो किसान भाई हमारे देश के जो अभी क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं या पिछले 2-4-10 साल से ऑर्गेनिक पकड़ रहे हैं, मार्केट के कई सारे प्रोडक्ट लेके ट्राई किए हुए हैं या फिर खुद निर्माण करते हैं, उसके बावजूद भी जो संतोषजनक जैविक खेती होनी चाहिए वो, उसके लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट यदि आप ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों मैं कहूँगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत के अंदर में टॉप मोस्ट ब्रांड है जो आपको नीचे छोटा सा दिख रहा है, रैपअप, सेत, NPK, स्टीमरिच, बायो 99, इंटैक्ट, ये जो ऑल प्रोडक्ट का रेंज है, ये बायोफिट का प्रोडक्ट सोयाबीन के खेती करने वाले जो किसान भाई हैं उनके उत्पादन को ये अद्भुत रूप से जहर मुक्त बनाते हुए, जैविक खेती की पद्धति पकड़ते हुए और लागत को 25% से कम करके उत्पादन को 25% तक बढ़ा देना, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, समझना है, मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है। आप जो केमिकल पेस्टिसाइड के जो प्रोडक्ट लाते हैं वो 75 बीमारी में 75 प्रोडक्ट ला करके इस्तेमाल करते, प्रोडक्ट देते देते, खरीदते खरीदते, इस्तेमाल करते करते परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ है कि जैविक में 5 से 7 प्रोडक्ट ही टोटल होते हैं, वो सारी समस्या उत्पादन से लेकर के पौधे के शुरुआत से लेकर बुआई से कटाई तक की जितनी भी प्रोडक्ट की जरूरत होगी वो 5 से 7 प्रोडक्ट ही उसका सारा समाधान जो है कंप्लीट कर देता है। और केमिकल में सैकड़ों प्रोडक्ट है, पता ही नहीं चलता है कौन सा किस में काम करता है। तो दोस्तों, साफ है कि यहाँ पे हम आपके बीच जो सोयाबीन का खेती करने वाले जो किसान भाई हैं या फिर अरहर की खेती करने वाले, अरहर वो जिसको तोर बोलते हैं, यदि तोर का खेत करने वाले जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, ये सब राजस्थान वगैरह में, ये सब बड़े पैमाने पर होता है या उत्तर प्रदेश में भी बड़ा खेती होता है, तो वहाँ जो भी अरहर की खेती करने वाले या सोयाबीन की खेती करने वाले किसान भाई हैं, आज उन दोनों के लिए जो है सो हम एक लाजवाब वीडियो बना कर लेके बनाने के लिए आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देखकर क्लिक करके देखना शुरू किए हैं तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आपने सैकड़ों वीडियो देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो तनिक क्षण मनोरंजन के लिए हुआ होगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला होगा, लेकिन यह वीडियो अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका फायदा ही फायदा, हमेशा फायदा। जैविक खेती कैसे होगा, लागत बढ़ा हुआ है कैसे घटेगा, हम सारी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ 7-8 मिनट आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है और ये 10 मिनट का जो समय होगा वो आपके जीवन के एक बहुत बड़े बदलाव में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी। तो आइए समझते हैं आगे बढ़ करके, जो कि सोयाबीन का या अरहर की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं, ऐसे इस प्रोडक्ट को किसी भी फसल पर, किसी भी पेड़ पौधे पर इस्तेमाल करेंगे, सुपर से ऊपर रिजल्ट आएगा, सभी पौधे पर रिजल्ट आएगा। लेकिन आज का यह वीडियो जो हमने बनाया है वो सोयाबीन और क्या कहते हैं अरहर की खेती करने वाले किसान भाई, मैं जान लूं कि हमारे पास क्या होता है कि आज केमिकल में 75 तरह के प्रोडक्ट हैं, किसान को समझ में नहीं आता है, ना कभी कोई मीटिंग ना कोई ट्रेनिंग, आजू बाजू के लोगों से पूछ करके खेती करते, वैज्ञानिक पद्धति पे बहुत कम मात्रा में खेती हमारे देश में होता है। जैविक खेती आज किसान मतलब सोच रहे हैं लेकिन उनको कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जहाँ 110% 24 कैरेट गोल्ड के समान शुद्ध और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यही समस्या का समाधान है, जो हमारे देश में लगभग 50 लाख किसान इस बायोफिट के साथ प्रोडक्ट जुड़ करके और संतुष्ट हैं और लोगों को लेने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो लागत आज जो हमारा बढ़ गया है, जिससे क्या हुआ कि शुरुआत में केमिकल किए तो लागत लगी थोड़ी सी और उत्पादन बढ़ा, तो किसानों को लगा क्या जादू है भाई, उस तरह जैसे जैसे बार बार इस्तेमाल करने लगे वैसे वैसे क्या लगा, लागत बढ़ गई, उत्पादन धीरे धीरे खराब मतलब कम होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा मिट्टी जो है सो मिट्टी का पीएच मान होता है जो कि संतुलित रहता है तो अच्छा रहता है, अम्लीय या क्षारीय हो गया तो उस स्थिति में मिट्टी असंतुलित होने के कारण आपकी पैदावार घट जाएगी, आप खर्चा कितना भी कर लो। तो हमारी मिट्टी का पीएच बैलेंस जो है वो पूरी तरह जो है सो नहीं, लेकिन 50% बिगड़ चुकी है। अगर हम यहाँ पर बायोफिट जैविक प्रोडक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो जो उत्पादन शुरू में मिल रही थी वो उत्पादन फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों,
तीसरा प्रॉब्लम किसानों का, तीन प्रॉब्लम, पहला कि लागत जो है सो बढ़ गया है, दूसरा है कि उत्पादन घट गया है, मतलब लागत बढ़ गया उत्पादन भी बढ़ जाता तो चलता, लेकिन लागत बढ़ गई और उत्पादन घट गया। साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो क्या हुआ कि मिट्टी जो है वो 50% से ज़्यादा, कहीं थोड़ा सा कम, लेकिन सब जगह जहाँ भी केमिकल यूज किया गया है वहाँ की मिट्टी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हमारे देश में पढ़े लिखे युवा रोजगार के रूप में आज के डेट में जैविक खेती पर किसानों के साथ लाखों की संख्या में लगे हुए हैं, लोग जागरूक कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसानों को जाकर के जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कीजिए। चंद फायदे के लिए नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें कोई काम करना चाहिए। अगर हम वर्तमान के आधार पर चलते रहेंगे तो हमारा भविष्य जो है बहुत नुकसान दायक होगा और हम पश्चाताप के अलावा उस समय में कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो जो है हम आपके लिए बहुत ही खास बना करके बायोफिट का ऑल रेंज प्रोडक्ट आपके बीच लेके आए हैं। दोस्तों हाँ, एक बात मैं बीच में बता दूं, जैसे कि YouTube पे 50% 40-50% आधा आधी जो आप कहीं कह सकते हैं कि फेक होता है, कोई किसी को टैलेंट है वीडियो बना लिया, किसी को डाल दिया, नंबर किसी को दे दिया, कोई भी प्रोडक्ट भेज दिया, लेन देन कर लिया, तो कुछ लोग फ्रॉड कर लेते हैं इस नाम पे, हर जगह पे लोगों को शक होता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको मैं बता दूं कि चैनल मेरा, मैं खुद सारा कंपनी का मालिक नहीं कहिए, बाकी नीचे जो भी पोस्ट होता है MDS सेलर कहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कहिए, स्टॉकिस्ट कहिए, या फिर कंपनी का प्रचार करने वाला कहिए, या कंपनी का इस्तेमाल करवाने वाला कहिए, मतलब ऑल इन वन में से 90% इस कंपनी के सारे कुछ हम हैं। तो यहाँ पे हम आपको सारा प्रोडक्ट 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध सोना के समान है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये आपको विश्वास करनी पड़ेगी। मार्केट का बहुत सारा प्रोडक्ट आपने जैविक के नाम पर इस्तेमाल किया है, तो इस बार भी हमारी बायोफिट प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जैविक खेती करने वाले हैं तो इस बायोफिट को जो मार्केट में इंडिया के अंदर में धूम मचा रही है उसको एक बार आप भी अजमा कर देखो, अच्छा लगे तो बार बार और नहीं तो एक बार, तो आजमाना ना भूलिए। लेकिन चलिए कि सोयाबीन और अरहर की खेती पर ये सेत जो है पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं, ये सेत जो है, सेत स्वस्थ करता है खेत, बात को समझना है। 100 शब्द का एक शब्द हम बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 100 शब्द का बात 10 शब्द में समझना है, तो हम उसी हिसाब से बोलेंगे, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो सेत स्वस्थ करता है खेत, जैसे कि आज तक आपने सुना होगा कि क्या होता है कि बीज को उपचारित कर दिया जाता है कोई भी अच्छे प्रोडक्ट से, मार्केट के बहुत सारी कंपनी है जो भी, बहुत सारे किसान सब, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसका अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही बीज को उपचारित कर देते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बीज अंकुरण का संख्या बढ़ जाती है। उसे क्या होता है कि बीज अंकुरण का संख्या बढ़ता है, उसको मिट्टी जो है खराब हो गया, बीज खराब हो गया, सब कुछ कितना खराब करोगे, नई नई बीमारियां रोज उत्पन्न हो रही है, तो ये सारी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। सेहत क्या है, ये सारी प्रॉब्लम जो उस मिट्टी के अंदर में है ना, केमिकल के वजह से उत्पन्न हुआ है, वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन ये सेत के पास है। नाम छोटा है सेत, लेकिन जैसे ही ये जाता है खेत में तो खेत हो जाता है स्वस्थ, जब प्रयोग किया जाता है सेत तो शुद्ध हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है खेत। मतलब ये बैक्टीरियल फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई ग्रोथ होता है, जब भी खेतों में मिट्टी में पानी के माध्यम से जाता है ये मल्टीप्लाई ग्रोथ करता है, मिट्टी को उर्वरा भुरभुरा बनाता है, मिट्टी को में केचुए लाने का काम करता है, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो भी कमी है वो सारी कमी को दूर करते हुए गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है और मिट्टी का pH मान को 7 पर लाकर 100% संतुलित कर देती है। तो ये सेत जो है मिट्टी का डॉक्टर है, कोई भी प्रॉब्लम हो सबका सोल्यूशन एक, सेत स्वस्थ करता है खेत। आगे बढ़ के दोस्तों बात करेंगे 100% NPK जो है, 100% जैविक रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो आप केमिकल में इस्तेमाल करते हैं ना वो हमारे पास 100% जैविक बैक्टीरियल फॉर्म में आपको मिलेगा। और ये नाइट्रोजन, यूरिया डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस प्रोडक्ट को, अगर जैविक प्रोडक्ट को अगर आप अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो जहर मुक्त खेत बनेगा। और आने वाला समय में ऑर्गेनिक मार्केट आने वाला है, जिस मार्केट में जिसका खेत अगर जैविक होगा तो उसका रेट 3 गुना दर से खरीदा जाएगा, ये बहुत जल्द इंडिया के अंदर में बहुत बड़े
पैमाने पर ऑर्गेनिक मार्केट उत्पन्न होकर के हम लोग के बीच आने वाला है। जो 100% सर्टिफिकेट जिसके पास रहेगा, जिसका 100% मिट्टी शुद्ध रहेगा, उसका रेट तीन गुने उत्पादन पर मिलेगा। तो अभी से हम चाहेंगे कि 100% जैविक प्रोडक्ट अपना करके आने वाला भविष्य में, जो 3 साल के बाद जो भविष्य होगा, यही उत्पादन रहेगा, लेकिन हमारा इनकम 3 से 4 गुना 5 गुना तक बढ़ जाएगा। जहां 1 लाख कमाते हैं, वहां 10 लाख तक आप 5 लाख तक कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक रहेगा खेत, तो केमिकल रहेगा तो नॉर्मल रेट मिलेगा। तो उसकी तैयारी जो है जैविक क्रांति के माध्यम से हम चाहते हैं कि बायोफिट के माध्यम से हम लोग शुरुआत कर दें। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारी बायोफिट 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी बात करें तो 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ना ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा, ना आदमी को नुकसान पहुँचाएगा, ना मिट्टी को नुकसान पहुँचाएगा, ना पौधे को नुकसान पहुँचाएगा। कहने का मतलब ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसी को हम लोग कहते हैं 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दोस्तों आगे बढ़ के अगर बात करें तो सभी फसल में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंख बूंद करके। कोई ज़रूरत नहीं है विशेष जानकारी लेने की कहीं। आप यहीं से 100% जानकारी लेकर के पौधे, हर पौधे का एक ही तरीका होता है विकास करने का। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक जरूर है, लेकिन हर प्रोडक्ट के अंदर अनेक विशेषताएँ हैं। प्रोडक्ट एक, फ़ायदे अनेक। कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्ट में 5-5, 10-10 फायदे हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ के बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो 25-40% तक आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, जो आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं करेंगे तो पछताएंगे। कौन पछताएगा? आप पछताएंगे। जो यूज नहीं करेगा वो पछताएगा, जो यूज करेगा, कुछ नया करेगा तो नया सीखेगा। क्या हुआ क्या ना हुआ वो जरूर ट्राई करेगा, और ट्राई करने के बाद जब रिजल्ट मिल जाएगा तो उस रिजल्ट के बाद दूसरे को यूज करवा करके इसके साथ बिजनेस भी कर सकता है। और जहां हजारों कमा रहे हैं वहां लाखों कमाना बायोफिट कंपनी के साथ जुड़ करके काम करके कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ के बात करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है हमारा, उसका नाम है बायोफिट स्टीमरिज। बायोफिट स्टीमरिज के अंदर 3 तत्व हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको PGR बोलते हैं, बायो स्टिम्यूलेंट, और तीसरा है साइटो हार्मोन्स। कहने का मतलब ये 3 घटक से हमारा स्टीमरिज प्रोडक्ट बना है, जो पौधे पर किस रूप से काम करता है इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे क्या है कि नीचे से मिनरल और वाटर, खनिज लवण जो है सो पौधे नीचे से ग्रहण करता है, जो सेत पूर्ति करेगा, जो मैंने बताया आपको सेत वो पूर्ति करेगा। और पानी देंगे तो वो सब कुछ भरपाई होगा। सेत मिट्टी का डॉक्टर है, मिट्टी के नीचे से पौधे को जो भी चीज़ चाहिए वो सेत सब कुछ का सप्लाई करेगा। और NPK का भी यूज करते हैं तो सोने पर सुहागा, तो नीचे की भरपाई जो कमी थी वो भरपाई हो गई। ऊपर से सूरज का प्रकाश पड़ेगा, जो क्या होगा, नीचे से खनिज लवण, ऊपर से सूरज का प्रकाश, पौधा बनाएगा भोजन, तो कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया जो है शुरू होगा। उस दौरान क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण में है वो पौधा अवशोषित करेगा, और ऑक्सीजन को है जो रिलीज करेगा, मतलब छोड़ेगा, जो हमारे लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। इसीलिए मिट्टी को, पौधे को सुरक्षित रखना जरूरी है, अगर अपने आप को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो। तो जो भी किसान भाई हैं वो जैविक क्रांति की ओर एक कदम बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़ें, और बायोफिट का प्रोडक्ट अपना करके आप एक अद्भुत रिजल्ट, जो चमत्कारी रिजल्ट होगा, आप देख सकते हैं जब ट्राई करेंगे। तो आगे बढ़ के हम बात करें दोस्तों कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो है वो सनलाइट फ्री में मिल जाता है, वाटर पानी फ्री में मिल जाता है, हवा फ्री में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे को जो है वो फ्री में मिल जाता है। नेचुरली मिलने वाला चीज़ में पैसे नहीं लगते। आगे बढ़ के अगर बात करेंगे तो मिनरल्स जो है वो मैक्रो और माइक्रो बैक्टीरिया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बायो स्टिम्यूलेंट, ये सारे गुण जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, जो कि हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से मिट्टी के अंदर में सारे चीज़ का उपलब्धता होगी। वैसे ही पर्यावरण में ये आपका बढ़िया, मतलब पौधे का स्थिति बनना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें हम कि स्टीमरिज के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या चीज़ का कंटेंट है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तहत जो है तो स्टीमरिज में मैं आपको बता दूं कि साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन क्या होता है कि इसके अंदर जो बीज नहीं निकलते हैं उसको आप अगर उपचारित कर देते हैं तो वो भी बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो साइटोकिनिन क्या करता है, बीज अंकुरण करने में बेहद मतलब मदद करता है। उसके बाद ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या करता है, सफ़ेद जड़ों को विकसित करने के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है। उस घटक को भी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बैनर मतलब तत्व अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो जिब्रेलिन जो है सो इसके अंदर है, जो कि पौधे के विकास के लिए बेहद जरूरी है, ये भी है। और आगे बात करें तो फ्लोरीजेन,
फ्लोरीजेंट जो है सो क्या करता है, फूल आता है तो उसको टिकने देता है, उसके बाद फल ज़्यादा से ज़्यादा फल 90 से 95% फूल जो है सो रुकेगा और फल के रूप में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद वो फल जो होगा वो ठंडक होगा, चमकीला होगा, ज़्यादा दिन तक टिकेगा। वो गुण जो है सो फ्लोरीजेंट के माध्यम से इस तत्व के अंदर रखा हुआ है। उसके अगर बात आगे करें तो बायो स्टिम्युलेंट जो है इसके अंतर्गत क्या आता है, ह्यूमिक एसिड, सेनविड एक्सट्रैक्ट, फॉलिक एसिड, एंजाइम्स के आगे अगर बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इसके अंदर है इतने। मतलब मैंने पहले क्या कहा, स्टिमरिच भले ही प्रोडक्ट एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं 8 से 10 तत्व है, मतलब 8 से 10 प्रॉब्लम पर ये काम करता है और प्रोडक्ट एक, फायदे अनेक। दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे कि स्टिमरिच को यूज कैसे करें। तो इसको आप पहले बीज अंकुरण जब करना हो उससे पहले इसको उपचारित कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही स्टिमरिच का प्रयोग करेंगे तो राइट साइड में जो है आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बीज अंकुरित हुआ है और इस साइड जो है तो कम हुआ है। तो स्टिमरिच के प्रयोग पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज की अगर बात करें तो जब 3 से 5 पत्ते हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि 15 लीटर में 15 ml डाल करके 10 से 15 दिन के बाद आपको उस पर स्प्रे कर देना है। उससे क्या होगा कि उजले जड़ों की संख्या जो है वो बढ़ेगा और उजले जड़ों की संख्या जो है क्या करता है, उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। जड़ 2 प्रकार का होता है, कभी आप पौधे को उखाड़ करके आप चेक कर सकते हैं। तो उजले जड़ जो होते हैं उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज जो होगा वो 20 से 25 दिन बाद, मतलब 1 महीने के बाद आप कह सकते हैं, दूसरे महीने के पहले सप्ताह में आप एक स्टेज और करेंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा शाखा आने का, पौधे के अंदर 1 से 2 निकलता है, 3 निकलता है, 4 निकलता है, 10 निकलते हैं, 20 निकलते हैं, तो शाखा आने का समय होता है। उस दौरान अगर तीसरा स्टेज में अगर 15 लीटर में 15 ml से 20 ml इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं आएगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। और दूसरी बात है कि जितने शाखाएं आएंगे उतने ज़्यादा फूल आएंगे और जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतने ज़्यादा फल आएंगे। तो सिंपल सी बात है। तो चौथा स्टेज में हम क्या करेंगे, जब फूल आने का समय होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 15 लीटर में 15 से 20 ml इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 ml बायो 99 का इस्तेमाल करेंगे। कीट पतंग है तो इंटेक्ट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हम वहाँ पर इस्तेमाल करके पौधे को सुरक्षित भी कर देंगे, टॉनिक भी दे देंगे और कीड़ा मतलब कीट पतंग से सुरक्षित भी कर देंगे और उससे फूल की संख्या ज़्यादा आएगा। और जैसे ही फूल की संख्या ज़्यादा आएगा तो फल की संख्या ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आएगा, वजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। दूसरी बात है, दूसरा प्रोडक्ट स्टिमरिच के साथ प्रयोग करना है। स्टिमरिच के साथ भी इस प्रोडक्ट का भी प्रयोग करना है। कहने का मतलब है कि बायो 99, ये बायो 99 क्या करता है, खर्चा को कम करने का काम करता है। गोंद है, चिपक जाता है, अगर स्प्रे कर दिए 1 घंटा के बाद बारिश आ गया कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो 99 उसमें इस्तेमाल किया गया है, बारिश आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 70% काम करेगा, 20 से 30% अंश बारिश में चला जाएगा, लेकिन 60 से 70% तक अंश जो है वो पौधे पर बना रहेगा क्योंकि बायो 99 का प्रयोग किया गया है। और बायो 99 जो है ये बायोलॉजिकल नैनो टेक्नोलॉजी बेस से भी बेहतर टेक्नोलॉजी बेस पर बनी प्रोडक्ट है। ये ऐसा काम करता है कि पौधे पर स्टिमरिच देंगे, वो स्टिमरिच पौधे पर पड़ा है लेकिन बायो 99 के कमाल से क्या होगा कि इसको मतलब नस के माध्यम से, नस जैसे हमारे नस होते हैं उसी तरह पौधे में नस के माध्यम, नस को छिद्र को खोल देगा, उसके बाद जो है सो तना में जाएगा, शाखा में जाएगा, उसके बाद तना के होते हुए जड़ में पहुंचा देगा। मतलब दवा के प्रभाव को जो है पौधे के पत्ते से लेकर जड़ तक पहुंचाने का काम जो है सो बायो 99 करेगा। और साथ ही साथ चिपकेगा तो चिपकेगा, फैलेगा भी, और पत्ते के नीचे जो कीड़ा चिपका रहता है उसको भी ख़त्म करने का ये बायो 99 काम करेगा। तो ये अपने आप में प्रोडक्ट एक है लेकिन फ़ायदे इसके 10 है। दोस्तों आगे बढ़ के बात करें, और भी अगर प्रोडक्ट में आपका सोयाबीन का फसल आगे बढ़ के बात करते हैं तो आपका हो सकता है बीच में आपको मरोड़ियापन आ सकता है, वायरस आ सकता है, फफूंदी नाशक संबंधित प्रॉब्लम होता है वो आ सकता है, या फिर कीट पतंग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो वो आने से पहले ही हम क्या करेंगे कि उसको कंट्रोल कर देंगे ताकि वो प्रॉब्लम ही ना आए। अभी तक क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम आने के बाद उसका सोल्यूशन कर रहे थे, लेकिन हम लोग बायोफिट प्रोडक्ट को अपनाने के बाद क्या करेंगे कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे जैविक फार्मुलेशंस पे। इससे क्या होगा कि जैविक फार्मुलेशंस पे प्रयोग करेंगे तो पौधे का नेचुरली विकास होगा, नेचुरली उसको सब कुछ मिलेगा, तो वो अपने आप को लड़ पाएगा। और ये रैपअप जो है ये वैक्सीन के रूप में काम करता है, जिस तरह अभी हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना से बचने
बचने के लिए, कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए। उसी तरह पौधे का वैक्सीन, पौधे में कोरोना जो लगेगा या लग गया है, जिसको वायरस के नाम से जानते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम रैपअप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीन पौधे के अंदर, बीमारी पौधे के बाहर। एक बार रैपअप का वैक्सीन पौधे पर प्रयोग करना बिल्कुल ना भूले। उसके बाद सवाल उठता है कि जैविक फार्मुलेशंस पे 100% जैविक, जिसको हम पी जाए तो कुछ नहीं होगा और खेत में इस्तेमाल करेंगे तो सभी कीट पतंग जो है सो मर जाएंगे, तो उसका नाम है बायोफिट इंटैक्ट। आप इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें टोटल प्रोडक्ट की, तो बायोफिट ऑल रेंज प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबल फार्मिंग, कहने का मतलब ये प्रोडक्ट अगर अपनाते हैं तो लास्टली मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि आपका 25% से 30% तक आपका लागत घट जाएगा, खर्चा घट जाएगा। मैं आपको कराऊंगा उस तरीके से खेती, और उसके बाद उत्पादन जो आपको मिलेगा वो 20 से 30% ज़्यादा मिलेगा। दो बातें मैंने कहा है, डबल बेनिफिट, दैट मीन्स आधा लागत कम गया, उत्पादन बढ़ गया, मतलब दोगुना के लगभग आप कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हिसाब किताब और कैलकुलेशन को, गणित कभी झूठ नहीं बोलता है, गणित के माध्यम से समझना पड़ेगा। मैं वो भी चीज़ कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ये बात मत भूलिए। आगे बढ़ के बात करें तो इस प्रोडक्ट को, यदि आप इतना सारा बात हमारी बात से सहमत हैं और इतनी सारी बात मैंने बोला इतने देर तक वीडियो पे टिके, तो कैसा लगा? विश्वास की बात होती है, डिजिटल में भी भरोसा रखना पड़ता है और सही चीज़ को अपने आप से परखना पड़ता है। आपको लगता है सही बात बोला है ये बंदा, तो मैं कहूँगा पहले मेरा मेहनत का मजदूरी आप लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करके हमारी मजदूरी दे दीजिए, ताकि वो भी जान सके। और दोस्तों इस प्रोडक्ट को यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर दी गई नंबर 7461089571 पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। मैं 2, 4, 10 लोगों का नंबर नहीं दे रखा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों एक नंबर मतलब मुझसे बात होगा और ओरिजिनल व्यक्ति से बात होगा। ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हम हैंडलिंग करने के लिए 1, 2, 4 रखते हैं, लेकिन पहली बात हमसे होगी। आप कंफर्म हो जाएंगे, आपका एंट्री जब हमारे साथ हो जाएगा तो हमारे सिस्टम के साथ आप काम करना शुरू कर देंगे। हम आपको ध्यान रखेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और नेटसर्फ कंपनी जो है 3 चीज़ देती है, याद रखिएगा, आपका सेहत, आपको बरकत और आपको मुस्कुराहट, ये 3 चीज़ देती है। ये 3 चीज़ का अगर मतलब आपको समझ में आता है तो मैं कहूँगा बायोफिट अपनाइए, जैविक खेत बनाइए, देश बचाइए, आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए। और ये वीडियो देखने में अच्छा लगा और इसी तरह की जानकारी अगर लगातार चाहते हैं तो कहेंगे कि चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑर्डर करके प्रोडक्ट मंगवाइए, इस्तेमाल करके रिजल्ट लीजिए। फिर मिलता हूँ अगली बार, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।